गाइस आप क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस पे ध्यान दो जरा। मैं कुछ 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 क्वेश्चंस ले रहा हूँ। पहले तो जो फॉर्मूले कराए हैं मैं उस पे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी लूंगा। तो सबसे पहले हमने अभी जो फॉर्मूले पढ़ा था वो था C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। हमने जो फॉर्मूला दिया था दैट वाज C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। बात समझा? अब क्वेश्चंस देखो। एररलेस है सबके पास? एररलेस है सर, शाबाश। लेकिन इलेक्ट्रो क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रो तब वो फिर पीडीएफ से कराओगे ना, जो ऐप में दिखता है एरएलएस का, आप क्या बोल रहे हैं? वो पीडीएफ से कराओगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में? ये लेटेस्ट एडिशन वाले से करा रहे हो आप कि वो वाले इससे करा रहे हो जो ऐप में दिखता है? मिल गया ना? हेलो सर, आपको आवाज आ रही है क्या? हम लोग की आ रही है मेरी आवाज आ रही है तुमको? सर हम लोग बोल रहे हैं कि ना आप क्वेश्चंस कहाँ से कराओगे, लेटेस्ट एडिशन वाले पीडीएफ से कि जो ऐप है एररलेस का उसमें से? मैं देखो मेरे पास तो ऐप ही है, मैं आप तो सर ऐप में से ही कराओ, वो सबके पास है। थोड़ा धीरे बोलते हैं। हाँ, और दूसरी बात, लेटेस्ट एडिशन वाला जो एररलेस होगा वो अपन जब ये आएंगे ना इस पे फिजिकली आएंगे ना तब करेंगे। बात समझा? ठीक है सर। हाँ चलो ठीक, आप क्वेश्चंस जो बोल रहा पहले वो क्वेश्चंस देख लो। हालांकि मैं कैपेसिटर के पार्ट पे ही जा रहा हूँ सीधा सीधा। क्या बोल रहे हो सर आप? थोड़ा धीरे बोलो। बहुत क्वेश्चंस है बाबा इसके। आ तो सब जगह लगते हैं, एक काम का पेपर मेरे ऊपर सामने वाला है। हाँ, तुम लोग को अगर ध्यान से देखना है तो पेज नंबर है 920 ऐप में। ऐप में पेज नंबर है 920, दिखा सबको? हाँ सर। हाँ, वहां पे देखो एक एक सेक्शन है कैपेसिटेंस का, दिखा? हाँ सर, दिख गया कैपेसिटेंस का। आप ध्यान से देखो, बीच में जो है ना इलेक्ट्रिक डायपोल और वो सब भी पढ़ा है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल वो सब हम लोग बाद में करेंगे। अभी फिलहाल कैपेसिटेंस फ्रेश पढ़ा दिया है, तो कैपेसिटेंस अभी फिलहाल के लिए कर लेते हैं। बात समझ आया? और कैपेसिटेंस के साथ थोड़ा सा मैं इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन भी करा देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन कैपेसिटेंस का, वहां पे ध्यान से देखो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये कैपेसिटेंस का नहीं करेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुमको नहीं पता है। अच्छा मैं एक और फॉर्मूला दे देता हूं तुमको कैपेसिटेंस का, तुमको याद रखने के लिए। ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला है, याद रखना। एक और फॉर्मूला दे रहा हूं मैं तुमको कैपेसिटेंस का। अभी तो मैंने तुमको सिर्फ यही फॉर्मूला दिया ना, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। ये वाला डेरिवेशन मैं आज ही कराने वाला था, लेकिन ये डेरिवेशन जब ऑफलाइन आओगे तब कराऊंगा। कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये ध्यान से देख लो, इसका डेरिवेशन अभी भी पेंडिंग है, बट ये डेरिवेशन जब भी तुम ऑफलाइन आओगे सबसे पहले यही कराऊंगा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, वेयर सी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, V is equal to voltage and E is equal to energy. और यही energy is always stored in the form of work done. और यही work done is always stored in the form of potential energy. क्या ये बात सबको clear है? Yes. Capacitor के दो formula, एक formula था A epsilon not K by D और दूसरा था C या फिर E is equal to half C V square. C capacitance होता है, V voltage होता है। इसका डेरिवेशन हो चुका है, डेरिवेशन ओवर, इसका डेरिवेशन खत्म हो चुका है। इसका डेरिवेशन जब भी ऑफलाइन आओगे तब मैं तुमको दूंगा, या डेरिवेशन ऑफलाइन के टाइम पे हम करेंगे। क्या बात समझा? हाँ समझा सर। यस, तो दोनों फॉर्मूला तुमको याद रख लो। अगर दोनों फॉर्मूला तुमको याद है तो तुम फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उसने, देखो फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है।
फर्स्ट क्वेश्चन इसने बोला था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज यू नॉट इफ द स्लैब ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स द न्यू पोटेंशियल एनर्जी विल बी बराबर है यस हाँ सर यस फिर से पढ़ रहा हूं जरा ध्यान से द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज यू नॉट इफ द स्लैब ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स तो ध्यान से अब लॉजिकली सोचो ये अगर मैं एररलेस की बात करूं इसमें क्वेश्चन नंबर वन की अगर मैं बात करूं तो पहले मेरे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे लेकिन ये ओरिजिनल केस या फिर फर्स्ट केस इस केस में ये दोनों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं था कोई भी मीडियम नहीं था मतलब एयर या वैक्यूम कंसिडर करने का ये नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव 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 ये नेगेटिव 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 क्या बात समझा यस ये पॉजिटिव से नेगेटिव इधर जा रहा है ये पॉजिटिव से नेगेटिव इधर जा रहा है अब खुद सोचो अगर इसके अंदर कैपेसिटेंस है और मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहा है तो जब एयर था तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर बराबर है सी का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था सी का फॉर्मूला पढ़ा था ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी बराबर है और वोल्टेज स्क्वायर बराबर है और वोल्टेज तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव से आता है बराबर है कि नहीं बराबर है सेकेंड केस में सुनो सेकेंड केस में ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मैंने एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है डाइइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जिसकी वैल्यू के है तब भी फील्ड यहाँ से यहाँ पे जाएगी बट पहले मीडियम एयर था अब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जब एयर था तो के की वैल्यू क्या होती है पता है वन सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया ध्यान से देखो हाफ ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी क्या बात समझा ये ई वन क्लियर है अब जब के रखा है तो मैं डायरेक्टली ई टू प्रूफ कर रहा हूँ ई टू इज इक्वल टू हाफ ए का ये सी का वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी और ये वी स्क्वायर वैसे का वैसे ही लेकिन अब के का वैल्यू के ही रहेगा क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का डाला है बराबर है हाँ सर तो सर बाकी का ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट हो जाएगा है ना यस हाँ पूछा कुछ डाउट है नहीं सर नहीं सर हम सर के जो के का वैल्यू वैरी होता है तो एयर केस में अलग और बाकी सब में अलग अलग वैल्यू होते हैं तो हमें कैसे यस एयर केस में तेरे को याद रखना है बाकी सब की वैल्यूज तेरे को क्वेश्चन में दी जाए बात समझा हाँ बट क्वेश्चन में कितने हाँ बोलना क्वेश्चन में एयर नहीं बोला है तो हमें अज्यूम करना है यस क्वेश्चन में एयर नहीं बोला है तो हमको अज्यूम करना है कि एयर होता है मतलब वैक्यूम बात समझा हाँ तो अभी देखो यहाँ पे एयर है तो एयर में के की वैल्यू वन लेकिन सेकंड में उसने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब बोला है जिसका के का वैल्यू के है तो मैंने के ही माना अब देखो ई वन और ई टू को ले लो तो ई वन अपॉन ई टू ध्यान से देखोगे तो बाकी सब कैंसल हो जाएगा यहाँ पे वन बाय के बचेगा बराबर है नहीं क्योंकि के की वैल्यू तो वन हो गई तो सब कैंसिल हो गया वन बाय के बराबर है यस अब तुमको ई टू की वैल्यू फाइंड करनी तो E2 की वैल्यू आ गई k टाइम्स ऑफ E1 क्या ये बात समझा बट सर ये आंसर ही नहीं है उसमें क्या ऐसा कैसे होगा या E1 की फाइंड करनी थी एक सेकंड रुको उसने क्या बोला है सर पोटेंशियल एनर्जी की फाइंड आउट करनी है हाँ द न्यू पोटेंशियल एनर्जी बोला है ना यार अब न्यू पोटेंशियल एनर्जी बोलिए तो भाई साहब ये k into E आएगा ना और k into E ऑप्शन नहीं दिया है एक सेकेंड रुको अगर मैं ये पोटेंशियल की वैल्यू भी ले लूं पोटेंशियल की वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करूं तो ध्यान से देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वोल्टेज वर्क डन अपॉन चार्ज तो q बाय r अगर यहाँ पे k की वैल्यू डालो तो ये और ये कैंसिल हो गया सारी चीजें फिर सेम आएगी e1 e2 is equal to e1 ऐसा कुछ दिया है उस क्वेश्चन में sure. ऑप्शन क्या है ऑप्शन है यू नॉट बाई के यू नॉट अपॉन के स्क्वायर यू नॉट इन टू के स्क्वायर और यू नॉट स्क्वायर अभी यू नॉट स्क्वायर तो नहीं आएगा ई टू की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है
यू नॉट स्क्वायर तो नहीं आएगा, यू नॉट अपॉन की द न्यू पोटेंशियल एनर्जी पूछा है ना, इफ द डायलेक्ट्रिक्स में फेज इंसर्टेड तो न्यू पोटेंशियल एनर्जी, न्यू पोटेंशियल एनर्जी तो बराबर है, यही तो आ रही है, न्यू पोटेंशियल एनर्जी मतलब ई टू, एक सेकेंड ना, ई वन की वैल्यू डाल दी, ई टू की वैल्यू डाल दी, पोटेंशियल की भी वैल्यू डाल दूंगा। देखो अब अगर अपना ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, अब मैं पोटेंशियल की वैल्यू भी मैच करके देख रहा हूँ, मतलब पोटेंशियल की एनर्जी भी डाल के देख रहा हूँ, लेकिन पोटेंशियल डालने की वजह से कुछ चेंज होगा क्या? चलो डाल के देखते हैं। देखो E1 की वैल्यू थी हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, सी का वैल्यू था ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0Q/R, पता है सबको? यस सर, शाबाश। अब ये मैं फर्स्ट केस के ले रहा हूँ, फॉर फर्स्ट केस, फर्स्ट केस मतलब एयर एयर सर, वो तो वी स्क्वायर है ना, क्या क्या क्या, हाँ वो तो मैं करूंगा, ये मैं बाद में करूंगा ना, तो टेंशन मत ले, ये स्क्वायर है बराबर है। अब एयर के लिए है तो यहाँ पे भी k की वैल्यू 1 और यहाँ पे भी k की वैल्यू 1, तो ध्यान से देखो बचा क्या, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d इज इक्वल टू 1/4πε0 नॉट k, ये इसका पूरे का स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो देख एक एप्सिलॉन नॉट k, एक एप्सिलॉन नॉट k कट गया, और ध्यान से देख तो फिर कुछ बचा ही नहीं वैसे तो, क्यू अपॉन आर ठीक है, फिर बचा क्या, हाफ ए अपॉन डी इंटू 1/8πσ² इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्या ये बता सबको समझा फॉर केस वन? सर सर वैसे ही अगर, हाँ बोलो सर, वहाँ पे ब्रैकेट में स्क्वायर है ना, तो एप्सिलॉन नॉट k तो आएगा ना उसमें, 8πσ² एप्सिलॉन नॉट k आएगा, बात समझा? हाँ मैं वो एक गलती से भूल गया, ठीक है, एक एप्सिलॉन नॉट k आया। अब केस टू के लिए देखो, केस टू एनर्जी टू का वैल्यू होता है हाफ सी वी स्क्वायर, सो ये हाफ वैसे का वैसे ही, सी का वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, यहाँ पे फिर से वोल्टेज का स्क्वायर तो 1/4πε0 नॉट के का द होल स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अब ध्यान से देखो तो ये एक एप्सिलॉन नॉट के, एक एप्सिलॉन नॉट के बचा, यहाँ पे भी एक एप्सिलॉन नॉट के बचेगा, तो हाफ ए बाई डी इंटू 1/8πσ² इंटू एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बट यहाँ पे के की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बराबर है? यस, तो देखो ना फिर भी मेरे पास सिर्फ एक ही एप्सिलॉन नॉट के बच रहा है, लेकिन वो कौन से फॉर्मेट में आ रहा है वो बताता हूँ। अब देखो ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, अब इवन ए टू को डिवाइड कर लो, तो देखो इवन हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो E1 अपॉन E2, हेलो आवाज आ रही है मेरी? हाँ E1 E2, मैं ध्यान से सुनना, हाफ हाफ कैंसिल, ए बाई डी कैंसिल, 1/8πσ² 1/8πσ² कैंसिल, अब देखो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/ε0 डिवाइडेड बाय 1/ε0 के, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर, उधर ऊपर में भी तो के आएगा ना, फिर से देखो, फिर से बता रहा हूं, एक सेकंड रुक, हाफ हाफ कैंसिल, देखो यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो ये हाफ कैंसिल, ए बाई डी कैंसिल, 8πσ² 8πσ² कैंसिल, q² कैंसिल, r² कैंसिल, 1/ε0 डिवाइडेड बाय 1/ε0 के, समझा सर? लेकिन वहाँ पे ऊपर उसके ऊपर वाले ब्रैकेट में तो एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर है ना, तो के भी तो आएगा ना फर्स्ट वाले इक्वेशन में? हाँ बोल, क्या बोल रहा था उसके? सर फर्स्ट वाले इक्वेशन के ऊपर देखो, आपने ब्रैकेट में 4π एप्सिलॉन नॉट के द होल स्क्वायर डाला है, तो नीचे वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सर, हाँ तो उसके नहीं वो और नीचे, हाँ ये वाला ब्रैकेट, इसके नीचे भी तो k आएगा ना, k की वैल्यू एयर 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 है ना, एयर, तो k की वैल्यू 1 हो गई ना। अच्छा अच्छा समझा, ठीक है। अरे इधर देख, इधर k लिखा था मैंने, लेकिन चाहिए तो तुमको चाहिए तो k की वैल्यू एयर लिख लो, फॉर एयर k इज इक्वल टू 1, समझ गया, मैं खत्म कर दिया, समझा? यस अब क्लियर है? यस हाँ सर क्लियर है। हाँ
अब देखो इसको डिवाइड करो तो वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ये और ये कैंसल, तो देखो फॉर्मूला क्या आ गया, ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू के, तो ई टू की वैल्यू आ गई ई वन अपॉन के। ऐसा कोई आंसर है? हाँ सर ये तो है, ऑप्शन ए। और अपना पहले टाइम में क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले टाइम में अपन ने पोटेंशियल नहीं डाला था, बात समझा सर? क्या नहीं डाला था? पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी ना डाली थी अपन ने, अपन ने पोटेंशियल डायरेक्ट काट दिया था, याद आया सर? वोल्टेज उसको ही पोटेंशियल बोलते हैं, समझा? हाँ ठीक है सर, उसी को पोटेंशियल बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म में, याद रखो। ये देख लो समझ आया नहीं समझ आया सर? अब समझ गया। एक बार वापस सुन लो एक बार वापस सर रिवाइज। बराबर है E1 का वैल्यू सर P is equal to charge, क्या लिखती है यार, ये बोलती क्यों नहीं है पता नहीं, ये लिखती रहती है, इतना टाइप कैसे करती है पता नहीं। हाँ P is equal to charge square 2C, yes V एक करके है सर, वो डिराइव कर दोगे ऑफलाइन में, yes। हाँ अक्षय मैंने वो लिखा भी वहां पे हाफ सी वी स्क्वायर, जो तूने लिखा है ना वही लिखा है यहाँ पे, डिराइवेशन ऑफलाइन दिखा। हाँ सर नहीं ये चार्ज स्क्वायर है ना सर ऊपर, अरे वही है देख मैं तुझे बताता हूँ, इसमें से ही आएगा ना वो भी। हाँ देख बताता हूँ कैसे, पहले तू तेरा डाउट क्लियर कर ले, ये देख हाफ सी वी स्क्वायर बट क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी बराबर है। हाँ सर, तो हाफ सी क्यू स्क्वायर अपॉन ये देख वी के जगह पे सी स्क्वायर, तो ये और ये कैंसल, दिखा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, दिख गया? Yes. हाँ सर, अरे सर इससे डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है इसलिए ये सम पूरा। हाँ हाँ जो भी है आराम से कोई टेंशन नहीं है, हम लोग सभी से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। सर देखो एनर्जी ई इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, ज्यादा दिक्कत सिर्फ अपने को वोल्टेज की वैल्यू डाल दीजिए, अपने को ये सुनना है समझा? यस सर। हाफ हाफ ऐसे सी का वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी बराबर है। हाँ बराबर है सर। उसके बाद v का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन r का द होल स्क्वायर, समझा? यस। तो a एप्सिलॉन नॉट k / d, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k का स्क्वायर, q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, यहां पे k जो भी बचा वो भी एयर का है इसलिए 1 हो जाएगा तो हट जाएगा, तो जो भी बचा वो मैंने लिखा बराबर है। यस हां सर। उसके बाद e2 की वैल्यू होती है हाफ cv स्क्वायर, c की वैल्यू a एप्सिलॉन नॉट k / d, v की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k का स्क्वायर, q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो ये 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k एक एक कैंसिल हो गया, तो एक एप्सिलॉन नॉट k बचा। अब जब इसको इससे डिवाइड करो तो देखो हाफ हाफ कटा, a/d कटा, 1 अपॉन 8 पाई स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कटा, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि k का वैल्यू तो 1 हो गया, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट k, इसको जब डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ने भी कट गया तो k बचा, तो e1 upon e2 is equal to k, तो e2 is equal to e1 by k, बात समझा? समझा सर अभी। वो जो value constant है ना k का? Yes, k का value air के लिए 1 होता है constant। Yes sir। समझ आया सबको ये सम? हाँ सर। ठीक। आगे देखिए। आगे दूसरा फॉर्मूला देख लो, द एनर्जी ऑफ द चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, एनर्जी का फॉर्मूला अभी प्रूफ किया थोड़ी देर पहले, इधर देखो ये देखो यही है, यही आंसर, ये देखो हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक सी कैंसिल हो गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, बात समझा? फिर से प्रूफ करके दिखा दू फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, आप ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का बता रहे हो ना? यस, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो वी के वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ सी q स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, बात समझा? यही करा है ना,
एक सी कैंसिल क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, क्या बात समझा? हाँ सर समझ गया। हाँ सर एक बार देख लो समझा, ये थर्ड क्वेश्चन है, क्लियर? एक मिनट सर, आप ये भेज देना। हाँ हाँ भेज दूंगा पक्का। क्लियर सर? दो मिनट रुको। स्क्वायर कैसे? अच्छा हाँ समझा समझा, वो वी स्क्वायर है सर। हाँ अभी क्लियर? यस सर। शाबाश आगे बढ़ू? हाँ सर। हाँ शाबाश, थर्ड हो गया। हाँ एक मिनट, फोर्थ भी इजी है। अच्छा टेंथ क्वेश्चन रीड करो, टेंथ। टेंथ क्वेश्चन रीड करो, बाकी सारे इजी है, थोड़े थियोरेटिकल है, और आठ का आठवें का आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, याद आया? और नाइन्थ भी इजी है। हाँ अब बताओ, टेंथ समझा? सर्कमफेरेंस मतलब वो 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 मीटर ना? यस, सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर। पहली बात मुझे एक बात बताओ, उसने वहां पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मेजर बोला है कि हेलो मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है सर। हाँ सर आ रही है। यस सर। अच्छा हाँ अब मुझे बताओ, उसने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोला है कि सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर बोला है? स्फीयर सर, सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, स्फीयर ही आगे जाके सर्कल बनता है, बराबर है ना? हाँ तो याद रखो, सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर और सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि 2D और 3D के वजह से फॉर्मूले चेंज नहीं होते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर दे या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दे, फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 मीटर दिया है, बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ सर। यस, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 मीटर दिया है ना? हाँ तो भाई साहब 2 पाई आर, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू हो गई 1 अपॉन पाई मीटर, क्या बात समझा? Yes? आप बताओ क्या निकालने बोला, क्या निकालने? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी, बराबर? अब सोचो ये सब कुछ स्फीयर का दिया होगा, आई आर स्क्वायर है ना? किसका होगा? ए 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ हाँ सॉरी, समझ आया? ये एरिया भी एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट नहीं होगा, एरिया ऑफ स्फीयर होगा। सो ये एरिया ऑफ स्फीयर होगा, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के बाय डी। अब आर की वैल्यू तो तुमको पता है, आर की वैल्यू है 1 अपॉन पाई, तो ये 1 अपॉन पाई स्क्वायर। यस, सो ये और ये कैंसिल हो गया,
तो 4 एप्सिलॉन नॉट के अपॉन पाई डी, ये हो गया कैपेसिटेंस। बात समझा? हाँ। समझ आया? यस सर। इजी है वैसे ऐसे सम्स, आगे के 10 सम कर लिए हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बराबर पाई स्क्वायर क्या है सर? तो सॉल्व करो। एक मिनट दिखाओ, वापस दिखाओ सर। क्या बोल रहे हैं सर? आर स्क्वायर आर हो जाएगा ना डी के जाने की वजह से। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, मेरे को ऑप्शन देखने दो। मेरे को लगा ऑप्शन सेम ही है सर, न्यूमेरिकल है। अच्छा न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, शाबाश। हाँ करता हूँ। इतना समझो, पहले ये समझ आ गया सबको, ये बताओ। उसने सर्कमफेरेंस बोला था, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 दिया था, तो 2 कैंसिल हो गया, तो रेडियस का वैल्यू आ गया 1/5। सी का फॉर्मूला था ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, एरिया का वैल्यू डाल दिया 4πr², तो रेडियस का वैल्यू यहाँ से डाल दिया 1/π², तो 1/π कैंसिल। समझ आ रहा है सर? मैं बोल रहा हूँ आर स्क्वायर था ना, तो सर वो डी नहीं कटेगा क्या आर स्क्वायर से? कौन सा ये आर ना, डी भी तो आ रही है ना। कौन सा आर स्क्वायर? अरे वो नीचे वाला डी, वो आ रही है ना अपना। सुन, ये बाद में काटेंगे, अभी नहीं फिलहाल। बात समझा? समझा सर। हाँ अब ध्यान से देख ले, अगर तू ये ध्यान से देखिएगा ना, तो वो बराबर बोल रहे हैं, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होता था, बराबर है। लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब ये ऐसा होगा ना, बराबर है। हाँ। तो खुद सोचो, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो ये ऐसा है, और ये दोनों के बीच में मैंने पहले भी बोला था गैप बहुत बड़ा रहता है कि बहुत छोटा रहता है, जल्दी बताओ बड़ा कि छोटा? छोटा। तो लॉजिकली सोचो अगर उसने बड़े स्पीयर का रेडियस दे दिया है, छोटे स्पीयर का रेडियस मुझे पता है, ऐसा दो दो स्पीयर दिया है कि एक ही स्पीयर दिया है उसने? दो। कहां दो स्पीयर दिया है? एक ही तो दिया, सर्कमफेरेंस दिया। अच्छा एक ही दिया। अब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दिया है, हालांकि ऐसे दो होने चाहिए सर, बट द प्रॉब्लम इज अब सर्कमफेरेंस ऑफ स्पीयर में उसने यही जो रेडियस है ना, जैसे देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये डी आता था डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, लेकिन जब एक ही प्लेट दिया होता है तो ये डी को हम इग्नोर मार सकते थे, वैसे ही यहाँ पे ये जो डी तुमको दिख रहा है ना, दैट इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीयर्स, और लॉजिकली ये ध्यान से देखोगे तो ये भी रेडियस ही होगा। समझ आया या नहीं समझा वो बताओ? हाँ समझे। नहीं समझे। मैं तुमको एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ, पहले यहाँ पे ध्यान दो। इमेजिन कर लो एक कैपेसिटर ये है, बात समझा, सेंटर, और मान लो ये एक और कैपेसिटर है, क्या बात मान सकते हो? यस यस सर। ये कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज, हाँ दो है, मतलब ये सेंटर तेरा पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज, बराबर है। यस सर। अब बता दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा? डी, एंड दैट डी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्पीयर, बराबर है ना? हाँ सर बराबर सर। आप मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? क्या मानना है? समझ आया नहीं समझा पहले बताओ। ये डी का मतलब है रेडियस ऑफ द स्पीयर, क्या समझा? हाँ सर। समझ आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। और ये डी का मतलब अगर रेडियस ऑफ स्पीयर है, तो रेडियस का मतलब तो 1/π है, तो ध्यान से देखो, अगर ये डी का ही मतलब रेडियस ऑफ स्पीयर है और रेडियस का मतलब 1/π है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा 4ε₀k, और 4 की वैल्यू मुझे पता है ε₀k की, k की एयर पकड़ लो, तो ये 8.85 × 10⁻¹2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है, फोर्स के टाइम पे भी लिख के दिया था मैंने, अब मत बोलना नहीं लिख के दिया। हाँ सर, 9 × 10⁻¹⁹ के वो वाला, के वाला नहीं, वन वाला, हाँ एप्सिलॉन नॉट वाला, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखा था, एट से कुछ था ना,
यस 8.85 इनटू 10 रेस टू माइनस 12 देखो फोर्स का जब फॉर्मूला प्रूफ किया था ना तो मैंने लिखा है हां सर दिया है मेरे को पता है मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो आंसर बताओ सर 35.4 इनटू 10 रेस टू माइनस कितना आ रहा है 35.4 इनटू 10 रेस टू माइनस 12 35.4 इनटू 10 रेस टू माइनस 12 फैराड और ये माइनस 12 का मतलब होता है पिको तो 35.4 पिको फैराड समझा ऐसा कोई ऑप्शन है क्या पहले ही बताओ सर उधर तो थाउजेंड्स में है सर वाटर का के इज इक्वल टू 1 ही लेंगे हम लोग किसमें इसमें टू वैल्यू वाटर नहीं वो तो ठीक है लेकिन वाटर के लिए फिर के उसको देना चाहिए समझा हां भाई सर हम लोग नहीं इमेजिन कर सकते कि डाइइलेक्ट्रिक कुछ है भाई साहब आंसर इतना ही है रीजन क्या है पता है वहां पे के वाटर के लिए बोला है लेकिन के वाटर का दिया नहीं है बात समझा हाँ सर सर आपको तो पता होगा ना क्या है सर नहीं के वाटर का डाइइलेक्ट्रिक एक्चुअली 1.3 होता है लेकिन मैं फिलहाल लेके नहीं जा सकता हाँ एक सेकंड ना पीएफ कौन सा यूनिट है पीएफ पिको फेरेड ये मतलब फेरेड होता है और पी का मतलब पिको अबे पिको का मतलब 10^-12 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था तुमने हाँ सर यूनिट्स में यस ये पिको फेरेड है वाटर का 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना 4/3 सर पर 78.4 दिखा रहा है इधर वाटर का की का वैल्यू हाँ किसका और सर मैंने मल्टीप्लाई किया 35.4 से तो आंसर आया अबे वाटर डाला कि क्या डाला सी वाटर डाला क्या डाला वाटर नॉर्मल वाटर लिक्विड वाटर नॉर्मल ठीक है तो वो कब पता है के की वैल्यू 38 पॉइंट कितना बोला 34 पॉइंट नहीं सर 78.4 शाबाश 78.4 यस पिकोफेरेड हाँ पिकोफेरेड है पिकोफेरेड अब पहली बात उसने वाटर तो बोल दिया था बट उसका के मिसिंग था इसीलिए मैंने चुपचाप एयर लेके कंसिडर कर लिया है अगर तुमको आंसर एकदम परफेक्ट चाहिए तो ये के का वैल्यू 1 मत मानो के का वैल्यू 78.4 मान के अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे के की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो दिया हुआ है वही आएगा बात समझा सर लेकिन एररलेस के पीछे तो वाटर का वैल्यू 80 दिया है अरे एक सेकंड मैं भी बोल लेता हूँ एक्चुअली कैसा होता है ना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना ये डिपेंड करता है कि आयंस कितने हैं और कितने नहीं हैं ये इस पे भी डिपेंड करता है समझ आया तो तुम इतना स्ट्रेस मत लो नीट में पक्का तुमको दिया जाएगा जो दिया जाएगा वही लेना बात समझा ओके सर अबे तुम फालतू की चीजों पे मत झिकझिक देखो फालतू की चीजों पे मच मच करने का मतलब नहीं है स्टेप समझ आ गया सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कैसे ही करना है ना अब के की वैल्यू नीट में दी रहेगी हाँ तो के की वैल्यू नीट में दी रहेगी जो दी रहेगी मल्टीप्लाई करके खत्म कर दो कंसेप्ट समझ आ गया हाँ सर मेन ये डी को आर समझा वो पूछ रहा हूं मैं हाँ सर समझा ये देख लो एक बार या वापस एक बार रिवाइज कर लो जल्दी देखो और फिर एक बार वो आर डी क्यू लिया वो एक बार बता दो ना सर मैं पूरा सब वापस बता रहा हूँ ध्यान से सुनो बस सरकमफेरेंस ऑफ द स्फीयर उसने 2 मीटर बोला था
तो रेडियस की वैल्यू निकाल ली 1/π, बराबर है? यस हाँ. सी का फॉर्मूला होता था A/0 K/d, क्या बात समझा? हाँ. वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. लेकिन अभी प्लेट पैरेलल है कि स्फेरिकल है? कैंसिल कर दिया, पाई डी आ गया. इतना समझा? यस यस सर. अब मुझे बता, कैपेसिटर कभी भी एक स्पीयर से बन सकता है कि हमेशा दो स्पीयर ही होने चाहिए? सर दो स्पीयर ही होने चाहिए, लेकिन बुक में दिया नहीं है दो स्पीयर, बराबर है ना? यस हाँ सर. शाबाश. तो मैंने क्या किया, सेंटर को ही स्पीयर मानते हुए एक 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 स्पीयर मान लिया और सेंटर को दे दिया पॉजिटिव चार्ज, और बाकी का जो सराउंडिंग था ना वो भी तुम्हारा एक कैपेसिटर था स्फेरिकल, लेकिन उसका चार्ज है नेगेटिव. अब सोचो ये स्पीयर और ये स्पीयर दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी, विच इज कंसिडर्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स. बट यही डी को तो हम आर बोलते हैं ना, रेडियस, बराबर? नहीं समझा? समझा जिसको रिपीट चाहिए था, समझ आया या वापस एक बार? समझा सर. क्योंकि मैंने एक स्पीयर को सेंटर पे माना और दूसरे को सराउंडिंग माना, इसलिए जो डिस्टेंस था वही रेडियस था. गॉस लॉ यूज हुआ है, ऐसा बोल सकते नहीं है, क्योंकि गॉस लॉ में हमको अंदर के चार्जेस लेने पड़ते हैं. समझ आया? गॉसियन लॉ पे मत जाओ. एक स्पीयर छोटा मान लो और एक 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 डाइलेक्ट्रिक वाला जो मीडियम है ना उसको छोटा स्पीयर मान लो, एक को बड़ा मान लो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी ले लो. पूजा समझा? हाँ सर. सर कोई ऐसा वे तो नहीं है ना कि एक एक रेडियस दिया रहेगा, अपने को दूसरा ढूंढना रहेगा डिस्टेंस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते. और अगर किए भी तो रेडियस की वैल्यू यहाँ से अलग होगी, R1 R2 से. समझा? सर. ऐसा कभी नहीं करते कि एक कैपेसिटर दिया हुआ है, दूसरे का रेडियस ढूंढो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता.